के सभी नागरिकों से मैं दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं कि कल संडे को, बेसिकली संडे को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कोरोना नहीं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप चार सूत्र हैं उनका पालन करें, हमेशा मास्क का यूज करें एंड प्रॉपर मास्क पहने, दूसरा हैंड सैनिटाइजर एंड सोप का यूज करें, थर्ड की दो गज की दूरी इस सिद्धांत का पालन करें, और चौथा अपने अगले एक हफ्ते की पूरी प्लानिंग करें और जितना पॉसिबल है भीड़ वाली जगह पर ना जाएं एंड जो गर्दी वाले स्थान है उसको अवॉइड करें। अगर आपने इन चार सूत्रों का पालन किया तो आप अपने बच्चों को, खुद को और अपने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको आप स्वस्थ रख सकते हैं। कोरोना की प्रॉब्लम यह है कि पहले तीन चार दिन में अगर कोरोना की इन्फॉर्मेशन आ गई और पता चल गया तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कोरोना ठीक होता है, लेकिन अगर चार पांच दिन बीत गए और सिचुएशन किसी भी टाइम मरीज की नीचे जा सकती है, बिगड़ सकती है, एंड एक बार सिचुएशन बिगड़ने के बाद में कोरोना का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं आई है एंड कोरोना की कोई लस या वैक्सीन भी अभी तक नहीं आई है। इसलिए मैं अपने औरंगाबाद के सभी नागरिकों से विनती करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप इन चार सूत्रों का पालन करिए और अपने अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखिए एंड अगले संडे को ही या मंडे को ही पूरी तरीके से एकदम भीड़ मत कर दीजिए, अदरवाइज सिचुएशन अगेन पहले जैसी हो जाएगी। थोड़ा सा प्लान करके निकलिए, गर्दी मत करिए, भीड़ मत करिए। लॉकडाउन का टाइमिंग कैसा होगा सर? लॉकडाउन का टाइमिंग जो शासन का गवर्नमेंट का रूल है, जीआर आया है मिशन बिगिन अगेन, वो मिशन बिगिन अगेन का जो जीआर होगा